मध्य पूर्वरे आरंभ होइतुआ विश्व मेला दुबई एक्सपोरे उद्घाटित हो जाइछि भारतर पाविलियन। टोकियो ओलंपिक पर यह महामारी जगतर प्रथम विश्वस्तरीय मेला जहां बिना दर्शक आयोजित होइछि, जेउथरे विश्व सहयोगर शक्ति विषय बार्ता दिया जाइछि। विश्वरे पर्यटनर विकास तथा यार प्रचार प्रसार पर मार्च 31 जाए आयोजित होब एहि मेला, जेउथरे भारत मध्य सामिल होइछि। शुक्रवार दुबई एक्सपोरे भारतर पाविलियन उद्घाटित होइछि। एथिरे भारत पक्षरु अंशग्रहण करथिले केन्द्र वाणिज्य शिल्प मंत्री पीयूष गोयल। उद्घाटनी उत्सव रे सांस्कृतिक कार्यक्रम सह नृत्य और संगीत परिवेशन करा जायथिला। एही अवसर रे वार्ता रखिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से कहिछंती एही एक्सपो रे भारत सबुठारु बड़ पाविलियन सहित अंशग्रहण करुछि। एहार थीम रहिछि अवसरर विकास। आज भारत निवेश पाई विश्व एक बड़ संभावनार देश भाव उभा हेबा सह ज्ञानर पावर हाउस पलटिछि। एही एक्सपो यूएई एवं दुबई सहित भारतर गभीर एवं ऐतिहासिक संपर्क को आहुरी मजबूत करियो बोली निज संबोधन रे कहिछंती प्रधानमंत्री। It is the first one to be held in the Middle East, Africa, and South Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. I am sure the expo will go a long way in further building our deep and historical relations with UAE and with Dubai. Let me begin by conveying greetings on behalf of government and people of India to His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and ruler of Abu Dhabi. I would also like to convey hearty congratulations to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister and Vice President of UAE and the ruler of Dubai. Let me also express my best wishes to my brother His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi. He has been instrumental in the progress we have achieved in our strategic partnership. I look forward to continuing our work for the progress and prosperity of both our countries. दुबई एक्सपोरे भारतर पाविलियन किभळी रहिछि तार किछि फोटो मध्य ट्वीट करिछन्ति प्रधानमंत्री, जहां भारतीय पाविलियन रो सौंदर्य को दर्शाउछि। एही ट्वीट जगे प्रधानमंत्री निवेशकंकु भारतीय पाविलियन को आसिबाकु वार्ता देबा सह भारतर निवेश करिया पई मध्य आह्वान करिछन्ति। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।